हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं जेई मेन और नीट की क्विक रिवीजन चेकलिस्ट फॉर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आप बहुत जल्दी देखेंगे कैसे इतना बड़ा टॉपिक जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम क्विकली समराइज कर देंगे कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स के अंदर। एंड आई कैन अश्योर यू कि जितने भी क्वेश्चन जेई मेन या नीट में पूछे जाने वाले हैं ब्रॉडली इसी चेकलिस्ट के बेस पे पूछे जाएंगे। सो दो तरह की चेकलिस्ट होती है, मैं बता चुका हूँ। एक गाइडेड चेकलिस्ट जिसके बारे में हम यहाँ पे पूरे के पूरे टॉपिक को ब्रॉडली चेकलिस्ट में क्लासीफाई करेंगे, और दूसरी होती है कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट जो आपको बनानी है, स्टूडेंट्स को बनानी है, जिसके लिए हमने रिकमेंड करी है हमारी फिजिक्स गैलेक्सी की प्रीवियस 16 की सॉल्यूशन बुक, जिसमें जेई मेन के 48 से ज्यादा टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, जिसमें 2002 से लेकर 2019 तक के सारे ऑनलाइन या ऑफलाइन पेपर्स टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड हैं। एक एक चैप्टर को पिक कीजिए, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाइए, डाउट है सॉल्यूशंस देखिए, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन इस बुक में हर क्वेश्चन का दिया हुआ है, देखिए और उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को एज अ चेकलिस्ट लिखिए। और उसका तरीका भी मैं एक सैम्पल वीडियो में बनाने का बता चुका हूँ किस तरीके से आपको चेकलिस्ट बनानी है, और वो चेकलिस्ट कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बनाने के बाद आप जो मेरी गाइडेड चेकलिस्ट है जो मैं अभी आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ उससे मैप कीजिए। रेस्ट अश्योर्ड कि ये टॉपिक आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो आने वाला है उसके क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इस चेकलिस्ट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। 60% से ज़्यादा क्वेश्चन तो डेराइव होते हैं जो आपकी कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट में मिलेंगे, बाकी यहाँ की गाइडेड चेकलिस्ट से ही बनेंगे। सो आइए शुरू करते हैं टॉपिक ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चेकलिस्ट फॉर जेई मेन एंड नीट। सो स्टूडेंट, हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं चेकलिस्ट की विद द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, वेरी फंडामेंटल थिंग, और इस पर कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, और ये वो टॉपिक है जो आप शायद ग्रेड 9 से पढ़ते आ रहे हैं, बट इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड बिकॉज कई बार कोचिंग में इस टॉपिक को मिस कर दिया जाता है। मैं पोजी से रिक्वेस्ट करूंगा फोर्स क्लासिफिकेशन को ओपन करें। थैंक यू पोजी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स में हर तरह के फोर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ग्रेविटेशनल, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स, आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन कुछ और छोटी छोटी चीजें जानना जरूरी है, अगर दो पार्टिकल एक गिवन सेपरेशन के ऊपर हैं और उनके बीच में फोर्स का कंपैरिजन किया जाए, जब हम बात करते हैं फोर्स के स्ट्रेंथ की, बहुत जरूरी है इस स्ट्रेंथ को समझना, क्योंकि डायरेक्ट जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को रेफरेंस लिया जाए तो वीक फोर्स ग्रेविटेशन से 10^25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशन से 10^36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स 10^38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है फॉर द यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल। Now, in this situation, एक चीज और समझनी जरूरी है, तो स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस स्ट्रेंथ को फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमेशा दिमाग में रखें। इसके अलावा एक पॉइंट और है, जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो ये होते हैं लॉन्ग रेंज फोर्सेज, यानी दो पार्टिकल अगर काफ़ी दूरी पे भी हैं तो भी ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो जनरली न्यूक्लियर फोर्सेज की ही कैटेगरीज मानी जाती हैं, ये दोनों फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं। आप इस बात को ध्यान रखें कि व्हेन वी टॉक अबाउट रेंज ऑफ फोर्सेज, ये दोनों फोर्स तभी एक्ट करते हैं जब पार्टिकल बहुत ही क्लोज न्यूक्लियर सेपरेशन, यानी 10^-10 से कम, 10^-12 या 10^-15 मीटर की सेपरेशन पे होते हैं, तब ये फोर्स एक्टिवेट होते हैं। अगर पार्टिकल काफ़ी डिस्टेंट है तो इन फोर्सेज का मैग्नीट्यूड ही जीरो होता है। दिस द बेसिक आइडिया अबाउट द फर्स्ट चेकलिस्ट पॉइंट, आपको दिमाग में रखना है जहां से हमने शुरू किया है। एक एक करके चीज़ों को हम आगे लेते हैं, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करें। थैंक यू भोजी। सो सेकंड पॉइंट है फोर्स एंड स्टेट ऑफ मोशन, अगेन वेरी फंडामेंटल पॉइंट। जब हम स्टेट ऑफ मोशन की बात करते हैं, सो यू नो वेरी वेल कि स्टेट ऑफ मोशन का डायरेक्ट सिग्निफिकेंस होता है वेलोसिटी वेक्टर से, और वेलोसिटी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और एक होती है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड, जब हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं, तो इन दोनों ही चीज़ों को जब चेंज किया जाता है, यानी वेलोसिटी को चेंज करना है चाहे उसकी डायरेक्शन बदलनी है, मैग्नीट्यूड बदलना है, तब हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फोर्स चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन। दिस अनदर पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो किसी भी बॉडी के मोशन की स्टेट को बताती है, और अगर हमें स्टेट चेंज करनी है तो हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। अब हम बात करें कैसे ज़रूरत होती है, तो आप डायरेक्टली स्टेट कर सकते हैं कि एम मास की बॉडी है, इफ इट इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी वी और वेलोसिटी वी वैक्टर, अगर इस पर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर फोर्स अप्लाई नहीं किया तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही है, अगर हमने इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया एफ,
एट एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो आप यहाँ डायरेक्टली कह सकते हैं कि इस फोर्स का जो कंपोनेंट यानी एफ कॉस थीटा वेलोसिटी के अलोंग एक्ट कर रहा है वो इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, और जो फोर्स का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है यानी एफ साइन थीटा वो इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा. नाउ इन दिस सिचुएशन अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो बहुत सारे फैक्टर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड से जुड़े होते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पावर, वो सारी चीजें भी किस फोर्स की वजह से होती है, वो होती है उस फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है. जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है उसे कहा जाता है टेंजेंशियल फोर्स, और जो परपेंडिकुलर एक्ट करता है जिसकी वजह से बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है या परपेंडिकुलर फोर्स से डायरेक्शन बेंड होती है, इसे कहा जाता है नॉर्मल फोर्स. इसी नॉर्मल फोर्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, बट आगे हम अभी सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो इन डेप्थ कवर करेंगे, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए. वी आर टॉकिंग अबाउट चेकलिस्ट, तो चेकलिस्ट में सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ हम समराइज करेंगे. तो टेंजेंशियल फोर्स की बात करें तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर काइनेटिक एनर्जी, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पावर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोमेंटम मैग्नीट्यूड and many such things, all inertial properties which is directly linked with the magnitude of velocity vector. So, जो भी velocity vectors के magnitude पर depend करती है physical property, उन सबको change करने के लिए responsible होता है हमारा tangential force. अब इसे मैं tangential क्यों कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा straight line में body जा रही थी तो velocity के along लगा है. इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से समझ लेते हैं. अगर एक coordinate system है हमारे पास xy coordinate system, इसमें body two dimensional motion या three dimensional motion में move कर रही है. So, किसी भी point पर हम बात करते हैं उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंशियल होता है. अब अगर इस पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे एफ जो कि इसकी टेंजेंट से थीटा एंगल पे है, तो इस फोर्स का जो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा टेंजेंट के अलोंग होगा वो टेंजेंशियल फोर्स कहलाएगा, और जो एफ साइन थीटा कंपोनेंट टेंजेंट की बजाय नॉर्मल के अलोंग या टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है इसको हम कहेंगे नॉर्मल फोर्स. इन्हीं से एक और चीज डिराइव होती है कि व्हेन वी टॉक अबाउट डीवी वेक्टर बाय डीटी, डीवी वेक्टर बाय डीटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और मोर प्रिसाइजली इट इज कॉल्ड टोटल एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी. किसी भी बॉडी के मोशन में उसका जो टोटल एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर होता है. वेलोसिटी वेक्टर यानी बोथ, इट इंक्लूड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज. यानी ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है इसमें दोनों चीजें हैं. अब हम यहाँ पे बात करें दो अलग अलग एक्सेलरेशन की, तो पहला एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है, ये होगा यहाँ पे एफ कॉस थीटा बाई एम. यानी ये वो एक्सेलरेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के लिए. और एक डिफाइन किया जाता है नॉर्मल एक्सेलरेशन जिसको ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा यहाँ पे एफ साइन थीटा बाई एम. और इसे कहा जाता है वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसी नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं. और इसकी वैल्यू आप चाहें तो वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं, फार इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. आई एम क्यूमुलेटिंग ऑल द थिंग्स, आई एम कंपाइलिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन वन कॉन्सेप्ट, बिकॉज हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स में जितनी भी चीजें लिंक हो सकती हैं वो सारी लिंक करेंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अस टू रिमेंबर थिंग्स. यही चीजें हम एक्सेलरेशन जब हम सर्कुलर मोशन में बात करेंगे तो क्विक रिकैप भी लेंगे, यू विल बी एबल टू कोरिलेट दिस थिंग क्विकली. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस जो हमने इस स्लाइड पर बात करी है, ये बात है स्पेसिफिकली फोर्स के बारे में. कोई भी मूविंग बॉडी पे अगर फोर्स लगता है तो वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो दो तरह के फोर्स होते हैं, नॉर्मल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स. टोटल फोर्स हमेशा उनका वेक्टर सम है, नॉर्मल और टेंजेंशियल का वेक्टर सम कर दीजिए. उसी तरह से यहां जब हम टोटल एक्सेलरेशन बात करें, अगर इसको ए कैपिटल टी कहा जाए तो आप यहां ये भी लिख सकते हैं टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रूट ऑफ ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए नॉर्मल स्क्वायर. वैल्यू आप डालेंगे तो टोटल एक्सेलरेशन आपके पास एफ अपॉन एम आएगा, वेयर एज टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा बाय एम. सो क्विकली इस चीज को अपने दिमाग में रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट लिस्टिंग के ऊपर बेस बनते हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है. आइए आगे बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर. ओजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करें. थैंक यू.
थैंक यू बोजी. सो स्टूडेंट, जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड सीक्वेंस, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब शायद आप लोग सब जानते हैं, क्विक रिव्यू लेंगे हम. इक्विलिब्रियम का डायरेक्ट मीनिंग हम लेके चलते हैं, नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू जीरो. आपको अच्छी तरह से पता है जब नेट फोर्स जीरो होता है सो इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है नेट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी भी जीरो होगा. नेट एक्सेलरेशन जीरो होने का डायरेक्ट मीनिंग है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है बॉडी की वो कॉन्स्टेंट रहेगा. और अगर बॉडी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो दो पॉसिबल कंडीशंस होती हैं. पहली कंडीशन होती है वेलोसिटी जीरो होगी, दूसरी कंडीशन होती है वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होगा. यानी बॉडी का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट रहेगी और बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. यानी बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड पे चलेगी. सो जब वेलोसिटी जीरो होती है, ये वो स्टेट है जिसको हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट पे है, और इस रेस्ट की स्टेट को कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम. सो जब भी किसी क्वेश्चन में, जेई मेन में या नीट में आपके सामने कोई बॉडी दिखाई देती है, अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो आप डायरेक्टली दिमाग में लाएं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस है, जिसपे जितने फोर्सेज एक्ट करें उन सारे फोर्सेज को हमको बैलेंस करना है, जीरो लेना है. जीरो लेने का डायरेक्ट मीनिंग एक तरह से बैलेंस फोर्सेस ही कहा जाता है. और बैलेंस फोर्सेस की दो कंडीशंस हम जनरली स्टडी करते हैं. अगर दो फोर्सेस हैं तो वो एक ही लाइन में एक्ट कर रहे होंगे. किसी भी बॉडी की आप बात करें, अगर इस बॉडी ए पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो वो बैलेंस तभी रह सकते हैं जब वो एक दूसरे के अपोजिट हो और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो. यानी अगर दो इक्वल एंड अपोजिट हैं तो यहाँ पे एफ वन इक्वल्स टू एफ टू हो जाएगा. जैसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, अगर एक बॉडी से एक स्ट्रिंग को हैंग कर रखा है तो इसका जो वेट एक्ट कर रहा है इसकी टेंशन के बराबर होगा, या टी इक्वल्स टू एम जी होगा. अगर ग्राउंड के ऊपर एक बॉडी रखी है तो इसका जो वेट एम जी नीचे एक्ट करेगा वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, एन इक्वल्स टू एम जी होगा. सो डायरेक्टली कह सकते हैं दो बॉडी के केस में तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट ही रहेंगे. लेकिन अगर तीन फोर्सेज होंगे या ज़्यादा फोर्सेज होंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस बॉडी पर अगर तीन फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं F1, F2, F3, सो इन तीनों का वेक्टर सम जीरो है, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस काम करती हैं. एक तो तरीका ये होता है कि हम इस बॉडी के अलोंग, बॉडी को ओरिजिन पे लेके एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करें, फोर्सेस के एक्स और वाई में कंपोनेंट ले लें, कॉस थीटा साइन थीटा आपको लेना आता है, और हम नेट सम ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन को बैलेंस कर दें और नेट सम ऑफ फोर्सेज इन y डायरेक्शन को बैलेंस कर दें. बाय दीज टू इक्वेशंस क्वेश्चन में जो भी पैरामीटर पूछे जाएंगे वो पैरामीटर आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं. इसके अलावा तीन फोर्सेस के लिए एक और कॉन्सेप्ट काम आता है, वो होता है लेमीज थ्योरम. आप में से कई स्टूडेंट्स ने लेमीज थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा. जो थ्योरम ये कहती है कि अगर तीन फोर्सेज के इन्फ्लुएंस में कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है यानी रेस्ट पे है, तो ये तीनों फोर्सेस जिनका वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, तीनों फोर्सेस एक ट्रायंगल की सक्सेसिव साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे. सो इन दिस सिचुएशन अगर ये तीनों फोर्स एक ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो साइन रूल को भी फॉलो करेंगे. यानी अगर एफ वन के सामने का एंगल थीटा वन है, एफ टू के सामने का एंगल थीटा टू है, एफ थ्री के सामने एंगल थीटा थ्री है, सो अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम इट स्टेट्स एफ वन बाई साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू एफ टू बाई साइन थीटा टू इज इक्वल्स टू एफ थ्री बाई साइन थीटा थ्री. ये एक डायरेक्ट रिलेशन है जो कई क्वेश्चंस में एज ए शॉर्टकट काम आता है. आपको क्वेश्चन में देखते ही स्ट्राइक होना चाहिए अगर बॉडी रेस्ट पे है स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तीन फोर्सेज हैं तो लेमीज थ्योरम डायरेक्ट लगा सकते हैं, और तीन फोर्सेज में ये कॉन्सेप्ट भी वैलिड है, और जब तीन से ज़्यादा फोर्सेज होंगे तो सिर्फ यही मेथड काम करेगा. मोर देन थ्री फोर्सेज, थ्री और More forces affecting on body, then we only use this method x or y direction. और कोई ज़रूरी नहीं है x और y आप horizontal या vertical लें, इस बात को ध्यान रखिएगा. Depending on the given situation, कोई inclined plane है तो inclined के along x और उसके perpendicular y भी लिया जा सकता है. So variety of cases आपके सामने आएंगे, just be careful with this concept of static equilibrium. लेकिन इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन है तो सिर्फ इन्हीं लिस्टिंग के, ब्रॉड गाइडेड लिस्टिंग के अंदर होगा. जब आप अपनी कॉन्सेप्ट लिस्टिंग बनाएंगे फ्रॉम द जेई मेन सॉल्यूशंस, जेई मेन प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन, तो जितने आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चन की सिचुएशंस डायरेक्टली इन्हीं कॉन्सेप्ट लिस्ट से डायरेक्टली मैच करेगी. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ. पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करें. थैंक यू पोजी.
नेक्स्ट इन सीक्वेंस जो अगला टॉपिक हम करेंगे वो है अनबैलेंस फोर्सेज. देर आर ओनली टू टाइप ऑफ फोर्सेज इन एनी गिवन सिचुएशन. आपको जैसा भी क्वेश्चन मिले या तो उसमें फोर्सेज बैलेंस्ड होंगे या अनबैलेंस्ड होंगे, क्योंकि दो ही पॉसिबल केसेज हैं, इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं है. सो अगर फोर्सेज बैलेंस्ड है तो हमने अभी अभी बात करी थी कि या तो एक्स और वाई डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट्स को बैलेंस कर देंगे. तीन फोर्सेज हैं तो लेमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे. जब हम बात करें अनबैलेंस्ड फोर्सेज, तो अनबैलेंस्ड फोर्सेज के लिए जो डायरेक्टली अप्लीकेबल सिचुएशन होती है वो न्यूटन सेकेंड लॉ यहां पे हम अप्लाई करेंगे. किसी भी गिवन सिचुएशन में अगर एक बॉडी ए के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1, F2, F3, F4 और एनी नंबर ऑफ फोर्सेस, इट इज एडवाइजेबल कि आप ए को ओरिजिन मान के एक्स और वाई एक्सिस बनाएं. एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है. दिस इज अ जनरलाइज्ड सिचुएशन आई एम ड्राइंग. एक्स और वाई एक्सिस बनाएं. सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, यानी चारों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट निकालिए. दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन. सम ऑफ ऑल फोर्सेस वाई कंपोनेंट निकालिए, ये होगा मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन. नेट एक्सेलरेशन हमारे पास रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर फॉर्म में निकल सकता है. ए नेट आप कह सकते हैं रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि नेट एक्सेलरेशन को हम टोटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, विच कैन बी रिटन एज रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन स्क्वायर. द सेम कैन बी ऑब्टेन ऑल्सो बाई यूजिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. सो कई तरह की सिचुएशन आपके सामने आएंगी. हमको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, नेट फोर्सेज एक्स और वाई डायरेक्शन में बैलेंस करें. केसेस कई तरह के आएंगे, अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम्स और ब्लॉक सिस्टम पे जाएंगे तो देखेंगे, बट बेसिक आप दिमाग में रखें. कभी पुली ब्लॉक सिस्टम आपके सामने, एक एम मास का बॉडी है, इस पे नीचे इसका वेट एक्ट कर रहा है, ऊपर टेंशन एक्ट कर रही है, और अगर ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन A1, सो आप डायरेक्टली ले सकते हैं नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू MA1. तो यहाँ पर T-mg इक्वल्स टू MA1 लिखा जा सकता है. सेम सिचुएशन ऐसी आ सकती है, कभी एक इंक्लाइन प्लेन है जिसके ऊपर एक बॉडी है एम मास की, इंक्लाइन प्लेन आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन A1 और एम मास इसके ऊपर डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है विद एक्सेलरेशन A2. अब आप देखिए इस मास में ये A1 एक्सेलरेशन भी होगा और A2 अलोंग द इंक्लाइन भी होगा. तो इस बॉडी के लिए आप लिख सकते हैं इसका जो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन होगा वो होगा A1 माइनस, अगर ये एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल से इस A2 का एंगल भी थीटा होगा. आप लिख सकते हैं इस स्मॉल एम मास का नेट लेफ्टवर्ड यानी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा A1 माइनस A2 कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन होगा A2 साइन थीटा. सो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, किसी भी गिवन सिचुएशन में एक्सेलरेशन के एक्स और वाई कंपोनेंट लेने हैं. अब इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, जैसे एक mg इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही होगी, इस नॉर्मल रिएक्शन को भी हम एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देंगे. तो वर्टिकल नेट फोर्स को m into A2 साइन थीटा लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स को m into A1 minus A2 cos थीटा लिखेंगे. सो दिस व्हाट यू आर गोइंग टू यूज. बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, ये एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को आप इक्वेट करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन से. और नेट फोर्स अगर न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें तो नेट वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय नेट एक्सेलरेशन वेक्टर. यही चीज जब आगे हम टॉपिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे, जब बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे पास होंगे तब यही फॉर्मूला फर्दर मॉडिफाई हो जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल मासेस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. यही न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला, या हम लिख सकते हैं NL2 फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ये भी आप ध्यान रखें, न्यूटन्स लॉ वही है, नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज टोटल मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. वेक्टोरियल फॉर्म में हम इसको यूज करेंगे. आपको बस केयरफुल रहना है इन सारी चीजों के लिए. जितनी चीजें मैंने बनाई इसी के एप्लीकेशन हम क्विकली कुछ और केसेस के साथ देखेंगे तो और बेटर क्लियर होगा, बट स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, आगे बढ़ते हैं. पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो नेक्स्ट इन सीक्वेंस एक्शन रिएक्शन ऑफ कॉमन फोर्सेज. एक्शन रिएक्शन न्यूटन सेकेंड लॉ आपको ऑलरेडी पता है, जब भी कहीं कोई फोर्स एक्ट करता है तो हमेशा पेयर में एक्ट करता है, फोर्स कभी अकेला एक्ट नहीं करता, वो पेयर होते हैं एक्शन रिएक्शन के. अगर हमने एक फोर्स लेफ्ट टू राइट अप्लाई किया है सो हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट एक फोर्स अपीयर होगा और वो बॉडी लगाएगी जिसके ऊपर पहली बॉडी ने फोर्स लगाया. हमेशा ध्यान रखें एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, बेसिक डेफिनेशन आपको पता है.
अगर कहीं पे भी आपको ये चीज लगती है कि चीजें जो हम क्विकली कॉन्सेप्ट लिस्टिंग कर रहे हैं कोई चीज इनडेप्थ क्लियर नहीं है, आप फिजिक्स गैलेक्सी कॉन्सेप्ट वीडियोस पे जाएं और इस टॉपिक की इनडेप्थ पूरे के पूरे वीडियोस देख लें, और जल्दी है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन चीजों को इनडेप्थ डेवलप करना है तो आप X1.5 या X2 स्पीड के ऊपर इन वीडियोस को देखें, चाहे तो वॉल्यूम ऑफ कर दीजिए, स्टिल द ग्रास्पिंग विल बी मच फास्टर मच बेटर कंपेयर टू एनी अदर रिसोर्स। सो आई वुड सजेस्ट कहीं प्रॉब्लम आती है तो पीजी कॉन्सेप्ट वीडियोस को यूज करें। अब हम कॉमन फोर्सेस की बात करते हैं। जब हम मैकेनिक्स में बात करते हैं तो दो तरह के फोर्सेस एक्सटर्नल और इंटरनल, दो तरह के फोर्सेस बहुत कॉमनली यूज होंगे। एक्सटर्नल फोर्स इट इज क्वाइट ऑब्वियस, जो बाहर से अप्लाई किया गया किसी बॉडी पे, इंटरनल जो बॉडी है उस सिस्टम के अंदर ही डेवलप हुआ है। सो एक्सटर्नल फोर्सेस में दो बहुत ही कॉमन फोर्सेस आपके सामने आएंगे, एक आएगा एफ और एक आएगा एम जी। एफ का मतलब है फोर्स अप्लाइड बाय एन एजेंट, फोर्स बाय एजेंट, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी ने धक्का दिया पुल किया, ये सारी चीजें एफ में आएंगी। एम जी इज द वेट ऑफ अ बॉडी। इंटरनल फोर्सेज में तीन बहुत कॉमन फोर्सेज आपके सामने आएंगे, टी एन एंड एफ, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड एफ इज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम अलग से कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में भी इन डेप्थ वन बाय वन कवर करेंगे, बट अगर हम टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन की बात करें बहुत कॉमन फोर्सेज हैं। इन सारी चीजों को एक बार क्विकली देखते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे एक ब्लॉक पड़ा है और एक बॉय ने इस ब्लॉक के ऊपर एफ फोर्स अप्लाई किया, अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन कॉन्सेप्ट ये ब्लॉक भी इस बॉय पे एक एफ फोर्स ही अप्लाई करेगा जो एक्शन होगी, या ये कह सकते हैं ये एक्शन थी जिसकी रिएक्शन ये डेवलप हुई। सो ये एफ इस बॉडी के लिए एक्सटर्नल फोर्स है तो बॉडी ने बॉय पे एक अपोजिट फोर्स अप्लाई कर दिया। अब इस बॉडी पे इस पे डाउनवर्ड इसका वेट एम जी एड कर रहा है। एम जी इज ऑल्सो टेकन ऑलवेज एज एन एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि एम जी इस बॉडी पे किसने लगाया, अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है और अर्थ लगा रही है। अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड ओवर हियर इन द सिस्टम, हम सिर्फ फ्लोर को कंसिडर करते हैं, ग्राउंड को कंसिडर करते हैं, हम अर्थ की ग्रेविटी जो उसके पूरे अर्थ के मास की वजह से उस अर्थ को किसी सिस्टम का पार्ट नहीं मानते, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स या एम जी को मैकेनिक्स के अंदर एक एक्सटर्नल फोर्स माना जाता है। सो अगर यहाँ पे एम जी एक्ट कर रहा है तो ये ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा, तो यहाँ पे ग्राउंड को एक एन फोर्स से पुश करता है, ग्राउंड इसको एन फोर्स से ही रिएक्ट करता है। सो एक नया एक्शन रिएक्शन पेयर डेवलप हुआ विच इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसके बारे में हमने बात की। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जब हम बात करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। हम ये भी लिख सकते हैं इट एक्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, जितनी भी कॉन्टैक्ट सरफेसेज होंगी उनके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, जैसे इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही एक्ट कर रहा है। कई बार इंक्लाइंड सिचुएशंस होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये ग्राउंड है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है और हमने यहाँ पे एक रॉड प्लेस करी, सो रॉड और ब्लॉक दोनों का वेट इनको डाउनवर्ड पुश करेगा। सो ये ब्लॉक ग्राउंड को एन फोर से पुश करेगा या एन वन से पुश करेगा, इस ब्लॉक के ऊपर एन वन अपवर्ड एक्ट करेगी। रॉड का वेट इसको नीचे पुश कर रहा है तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे सरफेस ये है, रॉड का सिर्फ एक पॉइंट कॉन्टैक्ट में है, सरफेस ग्राउंड की है, तो यहाँ पे एन टू फोर से ग्राउंड को पुश करेगा और ग्राउंड इस रॉड को एन टू फोर से ऊपर पुश करेगा। अगर हम ब्लॉक और रॉड की बात करें तो रॉड अपने वेट से इस ब्लॉक को पुश करेगी और ब्लॉक इसको रिटर्न करेगा विद द फोर्स एन थ्री। सारे जो फोर्सेज हैं वो कॉन्टैक्ट जो भी सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करें तो इस ब्लॉक की सिर्फ एक एज कॉन्टैक्ट में है, रॉड की सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। आप हमेशा ध्यान रखें कि नॉर्मल फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि हमारे पास दो कॉर्नर्स है और इनके बीच में कोई सिलेंडर या स्फेरिकल बॉडी रखी है, तो स्फेरिकल बॉडी में कॉन्टैक्ट सरफेस हमेशा स्फेयर की होगी, तो जो नॉर्मल रिएक्शन एन वन और एन टू एक्ट करेंगी स्फेयर के ऊपर, उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में एन वन और एन टू स्फेयर इन कॉर्नर्स पे अप्लाई करेगा, और हमेशा अगर इन एन वन एन टू को एक्सटेंड करेंगे तो ये सर्किल के सेंटर पे मीट करेंगी। द रीज़न इज क्वाइट ऑब्वियस कि कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी इन केस ऑफ अ सरफेस ऑफ अ स्फेयर और अ सिलेंडर और अ रिंग, वो हमेशा उसके सेंटर से पास होगी, बिकॉज रेडियल डायरेक्शन इज नॉर्मल टू इट्स सरफेस। हमेशा ये ध्यान रखें, बेसिक नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हमेशा एक्शन रिएक्शन दोनों पेयर गिवन सिस्टम में ही होते हैं, इसलिए एन को हमने इंटरनल फोर्स माना है। सिमिलरली अगर हम टेंशन की बात करें तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक पुली है, इस पुली से दो ब्लॉक्स हैंग हो रहे हैं ए और बी,
or we can say this is a common Edwards machine. In case of an Edwards machine, aap ye keh sakte hain, in dono block pe M1G aur M2G downward weight act karenge, jiski wajah se yahan pe jo string hai, wo upward ek tension T develop kar legi. Now throughout the length of the string, if it is massless, tension remains same. Ye cheez hum theory mein in depth cover kar chuke hain. So at every point, जो स्ट्रिंग की टेंशन एक्ट करती है वो हमेशा कांटेक्ट पॉइंट के अवे एक्ट करती है. ये एक्शन रिएक्शन है, स्ट्रिंग ने पुली को डाउनवर्ड पुल किया और इस स्ट्रिंग ने नीचे ब्लॉक को अपवर्ड पुल किया, तो अंदर हर पॉइंट पे स्ट्रिंग के आप देखें टेंशन इक्वल एंड अपोजिट एक्ट करेगी. एट एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग टेंशन दोनों डायरेक्शन में एक्ट करती है, उस पॉइंट के ऊपर बोथ आर कंसिडर्ड एज एक्शन एंड रिएक्शन इन द टू केसेज. सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट एन एडवर्स मशीन. अब ये पुली को ये दोनों टेंशन 2T4 से डाउनवर्ड पुल करेंगी, तो ऊपर वाली स्ट्रिंग में अपवर्ड एक टेंशन T1 डेवलप हो जाएगी. अगर पुली मासलेस है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर हम आने वाले हैं, अगर पुली मासलेस है तो ये जो T1 फोर्स है ये 2T के बराबर होगा. जो हमने अभी अनबैलेंस फोर्सेस की बात की थी कि नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, अगर मास जीरो हो तो नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस हमेशा जीरो हो जाता है. तो यहाँ पे हमेशा T1 की वैल्यू 2T के बराबर होगी. तो एक कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली लिस्टअप करके रखें, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल मासलेस बॉडीज. सभी मासलेस बॉडीज के लिए हम नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो लेके चलते हैं. फ्रिक्शन को मैं अभी इन डेप्थ कवर अप नहीं कर रहा हूँ, फ्रिक्शन के बारे में सेपरेटली हम बात करेंगे. बट एक्शन रिएक्शन ऑफ कॉमन फोर्सेस आपको ध्यान रखनी है, किसी भी तरह की सिचुएशन हो. स्ट्रिंग के केस में कई तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं. आप हाइब्रिड फिजिक्स में कंस्ट्रेंट मोशन के टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से कवर किया गया, उसको देख लें, क्योंकि उनकी कॉन्सेप्ट लिस्टिंग वो पूरे अपने आप में कंस्ट्रेंट मोशन कॉन्सेप्ट लिस्टिंग है जो कई जगहों पे काम आने वाला है टॉपिक. सो आई रिकमेंड कि आप लोगों ने अगर कंस्ट्रेंट मोशन का टॉपिक हाइब्रिड फिजिक्स का नहीं देखा तो वो तीनों वीडियोस देखिए, वो पूरी चीज़ें मैकेनिक्स के अंदर हर जगह काम आएंगी. सो आइए आगे बढ़ते हैं फर्दर कॉन्सेप्ट लिस्टिंग ऑफ न्यूटन्स लॉज. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पुली ब्लॉक सिस्टम. ऑलरेडी कंस्ट्रेंट मोशन अगर आपने वीडियोस देख लिए हैं तो पुली ब्लॉक सिस्टम के कंस्ट्रेंट रिलेशन डेवलप करना आपने समझ लिया होगा. बहुत ज़रूरी है, उसकी हम कॉन्सेप्ट लिस्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है आप कंस्ट्रेंट मोशन के वीडियो देखें और हर पॉइंट को अपने शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिस्टअप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. या मैं डायरेक्ट चेकलिस्ट की बात कर रहा हूँ क्विक रिविजन की, इस वजह से हम एप्लीकेशंस पर बात करेंगे किस तरह के केसेज होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. सो आई रिक्वेस्ट पोजी टू ओपन अप सम इलस्ट्रेशंस. आप यहाँ देखें तीन इलस्ट्रेशंस हैं, ये तीन जनरलाइज इलस्ट्रेशंस हैं. आप जितने भी जेई मेन या नीट के पुराने क्वेश्चंस खोल के देखेंगे तो इन तीनों में वो सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो जेई मेन के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, उससे लिंक्ड है. बिल्कुल सिंपल एडवर्ड मशीन के बारे में मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, जिसको फॉर्मूले भी आपने लिस्टअप कर रखे होंगे. या आप अपनी जो कॉन्सेप्ट लिस्टिंग चेकलिस्ट बनाएंगे, जो कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बनाएंगे पिछले सालों के जेई मेन के क्वेश्चन से, उनमें बहुत सारे छोटे छोटे डायरेक्ट रिलेशंस आ जाएंगे. घूम फिर के आप देखेंगे तो यहाँ जो गाइडेड चेकलिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ इससे ऑलमोस्ट नेक टू नेक मैच कर जाएगी. दिस इज अ ब्रॉड कैटेगरी. सो अगर हम देखें यहाँ पे ये मूवेबल पुली सिस्टम है, तो सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपका काम होता है कि वेट अप्लाई करना. M2G इस ब्लॉक का वेट होगा, M1G इस ब्लॉक का वेट होगा, और स्ट्रिंग में अपवर्ड टेंशन एक्ट करेगी ब्लॉक्स पे, या अपवर्ड की जगह हम ये कह सकते हैं टेंशन हमेशा एक्ट करती है कॉन्टैक्ट पॉइंट के अवे या अपोजिट. सो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी. यहाँ पे पुली पे स्ट्रिंग इधर कनेक्टेड है तो इस जगह पे टेंशन एक्ट करेगी. स्ट्रिंग हम आइडियल मान के चल रहे हैं तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टेंशन विल रिमेन सेम. बट ये एक अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है, ये ऊपर 2T है, तो इस टेंशन को मैं यहाँ डायरेक्टली 2T लिख सकता हूँ. यहाँ पे भी टेंशन की वैल्यू 2T होगी, बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पुलीज हैं वो मासलेस हैं. इन दिस केस आप ये ध्यान से देखें, मूवेबल पुली है जो ऑलरेडी हम कंस्ट्रेंट मोशन में कर चुके हैं. अगर ये ब्लॉक 2 नीचे ए एक्सेलरेशन से जाता है तो ब्लॉक 1 ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन 2A. वंस यू हैव डिड्यूस द कंस्ट्रेंट रिलेशन एज पर द लॉजिक ऑफ डेवलपिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन, जितने भी मेथड्स आपने कंस्ट्रेंट रिलेशन के समझे हैं किसी भी मेथड से, चाहे D1 मेथड हो, D2 मेथड हो, जिस भी तरह से आपने उसको हैंडल किया है, आप कंस्ट्रेंट रिलेशन बना लेते हैं एक्सेलरेशन में, तो अगला काम सिंपल है अनबैलेंस फोर्सेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, यानी नेट फोर्सेज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. तो ये ब्लॉक क्योंकि नीचे जाएगा विल राइट M2G - 2T इज इक्वल्स टू M2A. ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो हम लिखेंगे T - M1G इज इक्वल्स टू M1 मल्टीप्लाइड बाई 2A. इक्वेशंस बन गए, इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, डिजायर्ड रिजल्ट निकल जाएंगे.
उसी तरह से एक और केस है पुली ब्लॉक सिस्टम, ग्राउंड फ्रेम के अंदर ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं. अगर स्ट्रिंग टेंशन देखेंगे, टू पे डाउनवर्ड M2G एक्ट करेगी, अपवर्ड टेंशन T है. यहाँ पे सारी स्ट्रिंग्स, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह T होगी और पुली के कॉन्टैक्ट पॉइंट के अवे एक्ट करेगी. ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन आप डायरेक्टली कह सकते हैं 2T होगा. दिस टेंशन विल बी 2T, क्योंकि ये वाली जो 2T टेंशन है ये इस पुली के मासलेस होने की वजह से आएगी दोनों तरफ, या इस स्ट्रिंग की वजह से 2T इधर फोर्स है तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए. अब अगर ये ब्लॉक ए आइसोलेशन से आगे जाएगा तो मूवेबल पुली की वजह से नीचे जाएगा 2A से. आप डायरेक्टली इक्वेशंस फॉर अनबैलेंस फोर्सेस यहाँ पे डिड्यूस कर सकते हैं. M2G माइनस T इज M2 इंटू 2A एंड 2T इज इक्वल्स टू M1 इंटू A, क्योंकि कोई और फोर्स यहाँ एक्ट नहीं कर रहा है. अगर वर्टिकली एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा और डाउनवर्ड इसका वेट M1G एक्ट करेगा. और क्योंकि ये ब्लॉक 1 अप डाउन मूव नहीं कर रहा, वी कैन राइट N इज इक्वल्स टू M1G. ये बैलेंस फोर्सेज की कैटेगरी में नॉर्मल रिएक्शन रहेगा. उसी तरह अगर हम इस थर्ड केस को देखते हैं, स्ट्रिंग टेंशन आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए हर पॉइंट पे, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. वेट 2 पे डाउनवर्ड आएगा M2G, 1 पे डाउनवर्ड आएगा दैट इज M1G. नॉर्मल रिएक्शन 2 की वजह से 1 पे लगेगा, 1 की वजह से 2 पे लगेगा. सो दीज आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम. ऐसे जितने भी केसेस हैं जिनमें फोर्सेज किसी और डायरेक्शन में लग रहे हैं, डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ऐसे केस में नहीं है. सो इट इज एडवाइजेबल टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ताकि फ्री बॉडी डायग्राम से हम डायरेक्ट इक्वेशंस को डिड्यूस कर सकते हैं. जब भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल केसेस हों तो आप डायरेक्टली ब्लॉक पे ही बनाएं अपने सारे फोर्सेस ब्लॉक और स्ट्रिंग के ऊपर और डायरेक्टली इक्वेशन लिखिए. फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट मत कीजिए. लेकिन अगर इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन हैं या कोई और ऐसे ब्लॉक्स हैं, ऐसे सिस्टम है जिनमें फोर्सेस इंक्लाइंड डायरेक्शन में लग रहे हैं अदर देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सो यू नीड टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, अदरवाइज कन्फ्यूजन में गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं. सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं. कहीं कोई कन्फ्यूजन है, इमीडिएटली आप PG कॉन्सेप्ट वीडियोज पे जाएं और हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर x1.5 स्पीड पे सारे वीडियोस देखें और फिर वापस आएं, ताकि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता हो. क्योंकि यहाँ पे इट इज़ नॉट वर्ड फाइल कि मैं यहाँ आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाऊं. फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें एक पॉइंट पे सारे फोर्सेज ड्रॉ किए जाते हैं जो उस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं. लाइक यहाँ पे हम बात करें फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी 1. ये 1 बॉडी है तो इसको हम एक पॉइंट की तरह से ड्रॉ करेंगे. इस बॉडी 1 पे डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट करेगा M1G, टेंशन स्ट्रिंग में एक्ट करेगी T. अब टेंशन का एंगल थीटा है तो हम यहाँ डॉटेड रेफरेंस लाइन से एंगल थीटा बना सकते हैं. एंगल बनाना FBD में हमेशा ज़रूरी है, ये हमेशा ध्यान रखिए, अदरवाइज आप इक्वेशंस नहीं बना पाएंगे मोशन की. नॉर्मल रिएक्शन इधर एक्ट कर रहा है. अगर आप वर्टिकल से देखेंगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट के परपेंडिकुलर है. तो अगर ये वर्टिकल से देखा जाए तो ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा होगा, तो दिस वुड बी एक्टिंग एट एन एंगल थीटा. अब अगर आप इस ब्लॉक को देखेंगे तो इनके मोशन को भी एनालाइज करना ज़रूरी है. अगर ब्लॉक 2 इधर जा रहा है विद एक्सेलरेशन A2 और ब्लॉक 1 2 के रिलेटिव नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन A1, सो आप ये देखिए 3 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं. लैमिंग्स थ्योरम यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि केस इक्विलिब्रियम का नहीं है, यानी हमें अनबैलेंस फोर्सेज का ही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, नेट फोर्सेज MA. और 3 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं तो द ओनली वे आउट टू सॉल्व इट, एक्स डायरेक्शन में अलग इक्वेशन बनाएंगे, वाई में अलग बनाएंगे. सो यहाँ पे आप देखिए इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अगर मैं राइटवर्ड मानता हूँ, सो अगर ये A1 से नीचे आएगा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, तो राइट में इसका एक्सेलरेशन होगा A1 cos थीटा माइनस A2, क्योंकि ये इस ब्लॉक 2 के साथ लेफ्ट में भी A2 से जा रहा है. सो राइटवर्ड एक्सेलरेशन इज A1 cos थीटा माइनस A2. और डाउनवर्ड अगर एक्सेलरेशन देखेंगे तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे A1 sin थीटा. तो ये जो एक्सेलरेशन है इनके एरोज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉइंट के ऊपर ड्रॉ नहीं करने हैं, पॉइंट पे वही एरोज ड्रॉ करने हैं जो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं. अब इक्वेशन आप आसानी से इसकी ड्रॉ कर सकते हैं. राइट में N का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा N sin थीटा, T का हॉरिजॉन्टल होगा T cos थीटा. तो पहली इक्वेशन x डायरेक्शन की बनेगी जिसको हम लिखते हैं नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज MAX, जो हमने अनबैलेंस फोर्सेस में बात करी थी. ये इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास बनेगी N sin थीटा माइनस T cos थीटा. राइटवर्ड फोर्स होगा N sin थीटा माइनस T cos थीटा इज इक्वल्स टू M A1 cos थीटा माइनस
A2. This is the equation of unbalanced forces for this body in x direction. Similarly, we can write the equation in y direction also. यहाँ पे अगर y direction की equation लिखे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, downward acceleration है A1 sin theta, downward force है mg, upward net force इस पे लगेगा n cos theta plus t sin theta. So, यहीं पे हम equation लिख लेते हैं. Y direction की अगर equation देखें तो ये होगी net sum of all forces in y direction is equals to m ay. Vector की जरूरत नहीं है क्योंकि हम already y direction में value of forces sum up कर रहे हैं. So downward direction में आप लिख सकते हैं m1g downward minus n cos theta minus t sin theta is equals to m ay. Ay will be a1 sin theta. So, ये equation है हमारे पास y direction की, ये x direction की. इसी तरीके से आप यहाँ पे body 2 का free body diagram बना सकते हैं और body 2 के free body diagram से equations draw कर सकते हैं. Although, मैंने यहाँ पे वो चीज़ें एक बार वापस से ले ली जो already concept videos में या hybrid physics में available हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं. But it is preferable कि यहाँ पे हम concept listing करें. ये ध्यान रखें कि जब भी हमारे पास pulley block systems आएंगे, so हमको to the point ये strike करना चाहिए कि अगर horizontal और vertical cases हैं तो directly tensions को draw करें, force equal to m equation लिखें, solve करें. अगर कोई ऐसा case है जिसमें inclined plane involved है या other than horizontal vertical forces act कर रहे हैं, तो free body diagram बना के उस given situation में x और y direction की equation लिख के desired result obtain करें. Practically pulley block system में इन दोनों situation, या यूं कहें कि एक vertical pulley system, एक pulley block ground system और एक inclined plane cases, इनके अलावा कोई case JEE या NEET में नहीं पूछा जाएगा. So basic logic सिर्फ इन्हीं चीजों को दिमाग में रखने का है. आइए आगे बढ़ते हैं next concept की तरफ. पोजी please board को clear करें. थैंक यू बोजी. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इन चेकलिस्ट हम कवर करेंगे वेइंग मशीन के बारे में. कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन सिर्फ इतना सा है कि जब किसी वेइंग मशीन पे कोई बॉडी रखी जाती है, कोई इंडिविजुअल खड़ा होता है, तो वेइंग मशीन उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जहां पे कोई बॉडी रखी गई और वेइंग मशीन की सर्फेस है, वहां की नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है. और वेइंग मशीन ऑलरेडी प्री कैलिब्रेटेड होती है रीडिंग को किलोग्राम फोर्स में देने के लिए. यानी जो भी नॉर्मल रिएक्शन न्यूटन में होगी उसको आप जी से डिवाइड कर दीजिए तो वो फोर्स की यूनिट किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है. ये चीज भी इंपॉर्टेंट है देने की. सो कॉन्सेप्ट ऑफ विंग मशीन सिर्फ इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखना है, इट मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन ऑन सरफेस ऑफ मशीन. मशीन की सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है सिर्फ वो मेजर करेगी. अगर ग्राउंड पे एक विंग मशीन रखी गई है, हम ये मान के चलते हैं कि ये एक वेइंग मशीन है, इसके ऊपर अगर कोई इंडिविजुअल खड़ा है जिसका मास m है, तो ग्राउंड की वजह से या अर्थ की वजह से इस मैन के ऊपर डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट करेगा mg. ये ध्यान रखें mg मैन वेइंग मशीन पे नहीं लगा रहा है, mg पे एक्ट कर रहा है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी. इसकी वजह से मैन का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर डेवलप होगा n. ये वो n है जिससे मैन वेइंग मशीन को पुश करेगा और वेइंग मशीन इस n इस मैन को रिएक्ट करेगी. सो ये जो n होगा दिस इज द मेजर्ड वैल्यू बाई वेइंग मशीन. आप मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं एफ बी डी ऑफ मैन, क्योंकि यहाँ पे दो ही फोर्सेस हैं मैन के ऊपर, एक mg एक्ट कर रहा है एक n एक्ट कर रहा है. और क्योंकि अगर यहाँ पे मैन रेस्ट पे है तो n इक्वल्स टू mg होगा. और आप यहाँ पे अगर रीडिंग की बात करेंगे तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होगी n डिवाइडेड बाय g, यानी यहाँ पे m किलोग्राम आएगा. ऑलरेडी मशीन कैलिब्रेटेड होती है रीडिंग किलोग्राम फोर्स में देने के लिए. यानी अगर इस पर 200 न्यूटन का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है तो मशीन की रीडिंग आएगी 200 डिवाइडेड बाय जी, यानी 20 किलोग्राम. सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इट इज मेजरिंग. बट ये एक बहुत ही फंडामेंटल केस था. केसेस कई तरह के डेवलप हो जाते हैं. जैसे आप इस तरह का एक केस लीजिए, हमारे पास एक पुली सिस्टम है जिसमें एक तरफ एक कैपिटल एम मास का वेट हैंग हो रहा है, दूसरी तरफ एक केबिन है, केबिन का मास स्मॉल एम है, और इसके अंदर एक वेइंग मशीन रखी गई है और इस वेइंग मशीन पे एक ब्लॉक रखा गया जिसका मास m1 है.
अब हमसे पूछा गया है कि इस वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी. बहुत ही इजी और फंडामेंटल लेवल पे आप निकाल सकते हैं. ये पूरा सिस्टम जिसका टोटल मास होगा m प्लस m1, दिस वुड बी इन मोशन. अगर ये कैपिटल m से छोटा है तो ये कैपिटल m नीचे जाएगा, ये सिस्टम ऊपर जाएगा. और एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आप एडवर्ड मशीन के एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से डायरेक्टली रख सकते हैं. एडवर्ड मशीन का एक्सेलरेशन होगा m माइनस m प्लस m1 डिवाइडेड बाय m प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाय g. आई होप यू कैन रिकॉल बेसिक 11 में सबसे पहले हम करते हैं एडवर्ड मशीन का एक्सेलरेशन m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2g. सो अगर ये एक्सेलरेशन है तो हम इस m1 ब्लॉक के ऊपर देख सकते हैं, इस m1 ब्लॉक पे डाउनवर्ड इसका m1g फोर्स एक्ट करेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट करेगी. और ये नॉर्मल रिएक्शन वो है जो ब्लॉक वेइंग मशीन पे भी लगा रहा है. सो हमें इस n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो रीडिंग को डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, रीडिंग का वैल्यू होगा n डिवाइडेड बाय g. और n को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, मोशन इक्वेशन ऑफ m1. सो फॉर m1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, m1 के लिए डाउनवर्ड इस पे वेट लग रहा है m1g, अपवर्ड लग रहा है n, और ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a. तो आई कैन राइट n माइनस m1g is equals to m1a, यानी n का वैल्यू हमारे पास आता है m1 multiplied by a plus g. और acceleration ऑलरेडी हमारे पास है, सो इस acceleration की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, डिवाइड कीजिए g से, आपके पास रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन आ जाएगी. चाहे जितने भी केसेस आपके सामने आए, मैंने तो एक बेसिक इलस्ट्रेशन लिया, जितने भी केसेस हैं आपको सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन है कि ये नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करेगी. और नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने बेसिक पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, किसी भी गिवन सिचुएशन में फोर्सेस या बैलेंस्ड होते हैं या अनबैलेंस्ड होते हैं. अगर बैलेंस्ड फोर्सेस हैं तो उनको एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में बैलेंस कीजिए और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालिए. अनबैलेंस्ड हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में बात करी, तो अनबैलेंस फोर्सेस में नेट फोर्स इक्वल टू एम ए न्यूटन, सेकेंड लॉ की इक्वेशन लीजिए, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में अलग अलग, और सॉल्व करके नॉर्मल रिएक्शन निकालिए. रीडिंग हमेशा एन डिवाइडेड बाई जी होगी और रिजल्ट विल बी गिवन इन किलोग्राम फोर्स. दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन. इसके अलावा आपको कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है. जब अब आप जेई मेन की जो हमारी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूटन्स लॉ में, तो कई क्वेश्चन इस तरह के मिल सकते हैं जिनको आप मैप कर सकते हैं. बट बेसिक गाइडेड चेकलिस्ट में ये अपने आप में कंप्लीट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखें. आइए आगे बढ़ते हैं, पोजी बोर्ड को क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो केसेस ऑफ स्प्रिंग बैलेंस अब हम बात करेंगे. स्प्रिंग फोर्स के बारे में आपको पता है, अगर किसी भी स्प्रिंग पे उसकी नेचुरल लेंथ के अगेंस्ट फोर्स लगाया जाए, यानी एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाए या उसको इलोंगेट किया जाए, इन बोथ केसेस स्प्रिंग हैज अ टेंडेंसी टू रीस्टोर इट्स इनिशियल पोजीशन. यानी कि स्प्रिंग हमेशा अपनी इनिशियल पोजीशन में आने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है, और वो रीस्टोरिंग फोर्स जितना आप डिफॉर्म करेंगे स्प्रिंग को, उसके प्रोपोर्शनल होता है. स्प्रिंग फोर्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, व्हेन वी टॉक ओनली अबाउट स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स का ध्यान रखें. फोर्स अपन लिखते हैं के एक्स. ये चीजें कॉन्सेप्ट लेवल पर बहुत डिटेल में डिस्कस की जा चुकी हैं, जहां पे के हम फोर्स कॉन्स्टेंट स्प्रिंग लेते हैं. अगर हम डायरेक्टली जंप करके स्प्रिंग बैलेंस की बात करें, तो स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक पॉइंटर लगा होता है, और स्प्रिंग जितना डिफॉर्म होता है, जितना इलोंगेट होता है, स्प्रिंग बैलेंस जनरली स्प्रिंग के इलोंगेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है, जितना इलोंगेट होता है उतना स्प्रिंग बैलेंस का पॉइंटर डिस्प्लेस होता है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस. एक मेटल का पॉइंटर होता है जिसके अंदर यहां पे इनसाइड स्प्रिंग लगा होता है, और यहाँ पे एक पॉइंटर होता है जो कि जीरो पे इनिशियली होता है, और नीचे एक स्प्रिंग से हुक कनेक्टेड होता है. आप इस हुक पे अगर कोई भी वेट हैंग करते हैं तो ये इस स्प्रिंग को डाउन पुश करता है, और ये पॉइंटर भी नीचे डिस्प्लेस होता है, और यहाँ पे 4 kg 5 kg इन अ कैलिब्रेटेड स्केल 4, 8 जो भी डिस्टेंसेज ये डिस्प्लेस होगा, वो डिस्टेंसेज प्री कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मेजर की जा सकते हैं. ये एक स्प्रिंग बैलेंस होता है. जितना आप हैवी वेट हैंग करेंगे उतना डिस्प्लेस होगा. बट अब बात ये आती है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मेजरमेंट. स्प्रिंग बैलेंस हमेशा जिस स्प्रिंग से एक बॉडी को हैंग किया जाता है, उस स्प्रिंग की जो स्ट्रिंग है या जिस लेंथ में स्प्रिंग कनेक्टेड है, उसकी टेंशन को मेजर करता है. आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, केसेज ऑफ स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग बैलेंस इट मेजर्स टेंशन इन स्ट्रिंग अटैच्ड टू स्प्रिंग. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होता है वो किलोग्राम फोर्स में होता है. जब भी हम रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस की बात करेंगे तो ये रीडिंग होगी टेंशन डिवाइडेड बाय जी इन किलोग्राम. यानी अगर यहाँ पे 4 kg का ब्लॉक हैंग किया गया है, तो
इस ब्लॉक की इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो ऊपर स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसमें टेंशन होगी 40 न्यूटन, 4G यानी 40 न्यूटन, और उस 40 न्यूटन की जो टेंशन होगी, जो रीडिंग आएगी, वो 40 डिवाइडेड बाय G यानी 4 kg आएगी। दैट इज द वे हाउ इट मेजर्स। कोई जरूरी नहीं है कि वर्टिकल स्प्रिंग बैलेंस हमारे सामने हो, सिचुएशन इस तरह की भी हो सकती है। यहाँ पे एक पुली है, पुली से एक ब्लॉक कनेक्टेड है, दिस इज से ऑफ 10 किलोग्राम, और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक हमने ऊपर रखा है, से दिस ब्लॉक इज ऑफ 5 किलोग्राम, और इस स्ट्रिंग में एक हमने स्प्रिंग बैलेंस को कनेक्ट किया, एंड द सिचुएशन इज लाइक दिस। और हमको ये जो स्प्रिंग बैलेंस SP है, इसकी रीडिंग निकालनी है कि व्हाट will be the reading of this spring balance when the system is released from rest. आपको पता है जब इस सिस्टम को हम रिलीज करेंगे, अगर ग्राउंड स्मूथ है तो 10 kg नीचे जाएगा, 5 kg आगे जाएगा विद एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं जो थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो 10 kg ब्लॉक के वेट की वजह से है, और एक्सेलरेट दोनों यानी 15 kg ब्लॉक हो रहा है, तो एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं 10g/10+5, दिस विल बी 100/15, और विच कैन बी रिटर्न एज 20/3 m/s² जो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा। और अगर एक्सेलरेशन 20/3 है तो यहाँ पे जो टेंशन होगी, ये हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं, जो स्ट्रिंग टेंशन होती है वो हमेशा कॉन्टैक्ट पॉइंट के अवे एक्ट करती है, तो स्प्रिंग को दोनों तरफ से स्ट्रिंग आउटवर्ड पुल कर रही है, जिस वजह से इसका स्प्रिंग इलॉन्गेटेड है, और जो भी यहाँ पे पॉइंटर होगा वो कुछ रीडिंग दे रहा होगा। तो इस टेंशन को हमको मेजर करना है जहाँ से हम रीडिंग निकालेंगे। सो टेंशन इन स्ट्रिंग आप डायरेक्टली यहाँ से मेजर कर सकते हैं, स्ट्रिंग टेंशन टी होगी। आप इस ब्लॉक 5 kg को देखें, ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज टी, और ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो वी कैन राइट टी इज इक्वल्स टू 5a, यानी दिस 5 × 20/3 विच इज 100/3 N, ये टेंशन होगी। सो अब आप डायरेक्टली रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस निकाल सकते हैं, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस होगी T/G, यानी 100/3/g, तो ये वैल्यू हमें देगा 10/3 kg, यानी 3.33 kg, ये इस सिचुएशन का आंसर होगा, या ये कह सकते हैं इस स्प्रिंग की रीडिंग होगी 3.33 kg। सो मैंने सिर्फ एक छोटा सा इलस्ट्रेशन समझाने के लिए लिया है, सिचुएशन पुली ब्लॉक सिस्टम या किसी भी तरह के आ सकते हैं, जिनमें कहीं भी एक स्ट्रिंग में अगर एक स्प्रिंग बैलेंस जुड़ा है तो स्प्रिंग बैलेंस हमें रीडिंग क्या देगा, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, आप स्प्रिंग बैलेंस को भूल जाइए, इसको डायरेक्ट स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दीजिए, नॉर्मल न्यूटन्स लॉज की इक्वेशन लिख के टेंशन इन स्ट्रिंग कैलकुलेट कीजिए, एंड इफ यू आर गेटिंग टेंशन इन स्ट्रिंग, तो जिस स्ट्रिंग में स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है उस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी T/g kg, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन आपके जेई मेन या नीट में नहीं पूछा गया है आज तक, और ना ही पूछा जाएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट विच इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको आने चाहिए। आइए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू पोजी। सो नेक्स्ट पॉइंट चेकलिस्ट का हम कवर करेंगे, कटिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्टूडेंट स्टकअप हो जाते हैं, कई बार बेसिक थ्योरी में या कोचिंग में भी ये पॉइंट स्किप कर दिया जाता है, कई बुक्स में भी ये पॉइंट नहीं है। सो स्टूडेंट्स को बहुत केयरफुली रिव्यू करते टाइम चेकलिस्ट का पार्ट रखें, क्योंकि क्वेश्चन से जो आप कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बनाएंगे वो उसमें हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। सो अगर हम बात करें कटिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, पहले कटिंग की बात करते हैं। मेनली इस कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे उन फॉर्मूलाज की, जिनको यूज करके हम इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग निकाल सकते हैं। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई स्प्रिंग गिवन है जिस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L है, यहां पे L हम मान के चलते हैं कि इसकी नेचुरल लेंथ है, अगर इसकी नेचुरल लेंथ L है और इसका फोर्स कांस्टेंट K है, कई बार इस तरह की सिचुएशन दी जाती है कि अगर इस स्प्रिंग को दो पार्ट में कट कर दिया जाए, एक पार्ट की लेंथ L1 है और दूसरे पार्ट की लेंथ L2 है, तो ये जो दो स्प्रिंग कट के अलग होंगे या एक स्प्रिंग के दो पार्ट अलग होंगे, इनका फोर्स कांस्टेंट क्या होगा? बेसिक थ्योरी में बताया जा चुका है कि नेचुरल लेंथ के अंदर किसी भी स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट उसकी लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टूडेंट्स कई बार इसको एज अ मिसकॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि फोर्स कांस्टेंट लेंथ ऑफ स्प्रिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि गलत है। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट उस स्प्रिंग की, उसके मटेरियल की जो उसकी स्टिफनेस है, अगर वो फिक्स रखी जाए तो उसकी नेचुरल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये जो K है ये इस L के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर यहाँ पे दो स्प्रिंग्स बनाए जाते हैं जिनकी स्टिफनेस एग्जैक्टली इसकी स्टिफनेस के बराबर है, और लेंथ अब बन जाती है यहाँ पे एक L1 और एक L2,
यानी इसी स्प्रिंग को काट के दो स्प्रिंग बना दिए गए, इनका फोर्स कांस्टेंट होगा K1 और K2। ये आप डायरेक्टली रिलेशन याद रख लीजिए। डेरिवेशन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाके या फिजिक्स गैलेक्सी बुक के अंदर जाके इनके डेरिवेशंस देख सकते हैं, बट राइट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द रिलेशंस। दिस गिवन एज KL/L1 और K2 होगा हमारे पास KL/L2। ये दोनों रिलेशंस आपको ध्यान में रखने हैं, लेंथ L1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल K1, L2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल K2, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो होता है KL। अब इसको 2, 3, 4 जितने भी पार्ट में आप डिवाइड करें सेम फॉर्मूले यूज करके, आप किसी भी स्प्रिंग को कट करके जो आप स्प्रिंग बनाएंगे उसका फोर्स कांस्टेंट यहां पे डिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। दो तरह के कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर कभी दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाए हैविंग फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2, लेंथ की हम बात नहीं कर रहे हैं, कभी भी स्प्रिंग्स को सीरीज में आप कनेक्ट करें तो इस पूरे स्प्रिंग को आप एक इक्विवेलेंट सिंगल स्प्रिंग की तरह से मान सकते हैं जिसका फोर्स कांस्टेंट K इक्विवेलेंट S होगा, और K इक्विवेलेंट S इन दिस केस इज गिवन बाय द कॉम्बिनेशन फॉर्मूला K इक्विवेलेंट S इज इक्वल टू 1/K1 + 1/K2। अगर मल्टीपल स्प्रिंग्स होंगे तो इसी फॉर्मूले को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। चाहे तो याद रखने के लिए आप रेजिस्टेंस एनालॉजी, रेजिस्टर एनालॉजी को दिमाग में रख सकते हैं कि रेजिस्टेंसेस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला स्प्रिंग्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है। कहां से आया मैं फिर सजेस्ट करूंगा आप फिजिक्स गैलेक्सी की Volume 1 बुक के Chapter 2 के ऊपर जाके देख सकते हैं, पूरे डेरिवेशंस दिए गए हैं, वहां से आपको इन चीजों का इन डेप्थ आइडिया लग जाएगा। बट एट दिस लास्ट मोमेंट कंफ्यूजन है तो जाए, अदरवाइज ये फॉर्मूले ही आपके काम आएंगे, डायरेक्ट रिलेशन ध्यान रखें। अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को याद रखने का सीधा सा तरीका है रेजिस्टर एनालॉजी का सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मल्टीपल स्प्रिंग्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है जिनके फोर्स कांस्टेंट K1 K2 हैं, बट दे हैव टू बी ऑफ सेम लेंथ। अगर लेंथ छोटी है तो आपको स्ट्रिंग कनेक्ट करनी पड़ेगी ताकि इनके एलोंगेशन के लिए जो इसका इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट मिलेगा K इक्विवेलेंट इज गिवन एज K1 + K2। अगर दो से ज्यादा स्प्रिंग्स हैं तो भी आप इसी फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। एक और चीज यहां काम की है ध्यान देने के लिए, वो ये कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन जब इस सिस्टम को एलोंगेट करेंगे तो दोनों स्प्रिंग्स में एलोंगेशन बराबर होगा, वेयर एज इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन जब इनको एलोंगेट करेंगे तो X1 + X2 दोनों स्प्रिंग्स के इलोंगेशन का सम विल बी द टोटल एलोंगेशन। दैट इज द बेसिस ऑफ डेरिवेशन ऑफ दीज रिलेशंस। कई बार इस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आती है कि एक ब्लॉक है एम मास का, इसको हमने एक तरफ एक स्प्रिंग K1 फोर्स कांस्टेंट से और दूसरी तरफ एक स्प्रिंग K2 फोर्स कांस्टेंट से कनेक्ट किया हुआ है और इसको ग्राउंड पे रखा है। नाउ अब जब हम इस एम मास को डिस्प्लेस करेंगे तो इन दोनों में से कौन से इक्विवेलेंट से इसको रिप्लेस किया जा सकता है। कई स्टूडेंट कंफ्यूजन में देखते हैं कि आगे एक स्प्रिंग लगाया तो हम यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि गलत होगा। यहाँ पे फॉर्मूला यही यूज होगा, क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, अगर इस ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया जाए तो K2X कंप्रेस होगा, K1X इलोंगेट होगा। तो जब ये डिस्प्लेस होगा तो इस पॉइंट पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा दोनों स्प्रिंग्स की वजह से एक ही तरफ लगेगा, और वो रीस्टोरिंग फोर्स इस केस में हम कह सकते हैं K1X + K2X, यानी ये बनेगा K1 + K2X। अब आप ध्यान से देखिए, इस सिचुएशन के अंदर दिस कमिंग आउट टू बी द सेम एक्सप्रेशन, यानी इस सिस्टम को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिप्लेस करेंगे। ये स्ट्राइक कैसे हुआ? ये इस बात से स्ट्राइक हुआ कि स्लाइड डिफॉर्मेशन से दोनों स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन इक्वल हो रहा है, वेरज अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो कंबाइंड डिफॉर्मेशन में स्प्रिंग्स में अलग अलग डिफॉर्मेशन होता, सो दैट कि इस लाइन में या इस स्ट्रिंग में जहाँ स्प्रिंग कनेक्टेड है उनमें टेंशन सेम रहती। सो आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप जितने भी रिलेशन मैंने यहाँ बताए इन्हें ध्यान में रखें। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं अब तक आए हैं या आने वाले हैं, स्प्रिंग के कटिंग कॉम्बिनेशन की इस स्क्रीन के बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अपनी जो प्रीवियस ईयर जेई मेन सॉल्यूशंस की चेकलिस्ट है उससे मैप करें, अपने आप आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होते हैं कि एक स्प्रिंग को एन पार्ट में बांट दिया, फिर उनको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, डायरेक्टली यूजिंग relations you are able to deduce all the final results। आइए आगे बढ़ते हैं। पोजी please board को clear करें। Thank you पोजी।
सो एक बहुत कॉमन कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू एलिवेटर्स. कई स्टूडेंट्स एलिवेटर के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बहुत ही फंडामेंटल और इजी लेवल की प्रॉब्लम्स हैं. मैं इसलिए इस गाइडेड चेकलिस्ट के अंदर एलिवेटर्स को ले रहा हूँ क्योंकि कई बार अलग अलग तरह की सिचुएशंस जो हमने करी हुई हैं वो एलिवेटर में डाल के क्वेश्चंस बना के पूछ लिए जाते हैं. सो क्विकली एलिवेटर केसेस की सिचुएशन देखते हैं. एलिवेटर को आप सिर्फ एक बॉक्स या रेफरेंस फ्रेम मान के चलें. इसके अंदर गिवन सिचुएशन, जैसे बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर हम बात करते हैं कि एक हमारे पास एटवुड्स मशीन है जिनका मास M1 और M2 है ब्लॉक्स का, और इस एटवुड्स मशीन को हमने एलिवेटर में डाल दिया और एलिवेटर ऊपर जा रहा है विद एसेलरेशन ए, दैट्स इट. ये नीचे भी आ सकता है विद एसेलरेशन ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर एलिवेटर में ए एसेलरेशन है तो एलिवेटर केसेस को हैंडल करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है हम एलिवेटर के अंदर बैठ जाएं. अगर यहां बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये अगर हमारा ऑब्जर्वर है या हम अपने आप को यहाँ पे बैठा हुआ मान सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इस एटवुड मशीन में मासेस का हमें एसेलरेशन कैलकुलेट करना है. सो अगर हम अंदर बैठ के देखेंगे तो हमें स्ट्रिंग टाइट दिखाई देगी. अगर M2 बड़ा है यहाँ पे, मान लेते हैं M2 इज ग्रेटर देन M1, तो M2 नीचे आएगा और M1 ऊपर जाएगा. आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि एलिवेटर अगर ए एसेलरेशन से ऊपर जा रहा है, यानी ऑब्जर्वर भी ए एसेलरेशन से ऊपर जा रहा है, सो इन दोनों के ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. सो ड्यू टू ग्रेविटी बोथ ऑफ दीज विल बी एक्सपीरियंसिंग मोर इफेक्टिव एसेलरेशन. क्योंकि अगर एलिवेटर ऊपर ए से जा रहा है, ग्रेविटी एसेलरेशन डाउनवर्ड जी है, दोनों अपोजिट हैं, तो एलिवेटर में जो बैठेगा उसके लिए इफेक्टिव एसेलरेशन या इफेक्टिव ग्रेविटी का इफेक्ट कितना दिखाई देगा M1 M2 पे, वो दिखाई देगा G+A, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. तो रिलेटिव अगर हम बात करें, रिलेटिव ग्रेविटी या हम बात करें यहां पे इफेक्टिव ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो ये आप डायरेक्टली इसको आप लिख सकते हैं जी इफेक्टिव इज इक्वल टू G+A. और अगर ये ए डाउनवर्ड होता तो इसको हम लिख देते हैं G-A, दैट्स इट. इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं करें. कई स्टूडेंट्स, कई टीचर्स आपको बताएंगे बाय यूजिंग स्यूडो फोर्स हम इसको हैंडल कर सकते हैं. मैं अभी लास्ट कॉन्सेप्ट स्यूडो फोर्सेस के बाद लेने वाला हूं, बट माय डियर स्टूडेंट्स, एलिवेटर को फास्टेस्ट सॉल्व करने का तरीका या एलिवेटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फास्टेस्ट सॉल्व करने का तरीका, आप बस इतना सा ध्यान रखें कि अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो इसके अंदर इफेक्टिव ग्रेविटी G+A है, नीचे आ रहा है तो G-A, रिलेटिव एसेलरेशन यूज करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. सो अंदर से बैठ के देखने पर अगर इनका एसेलरेशन A1 और A1 है, क्योंकि अंदर से देखने पर दोनों का एसेलरेशन सेम अपीयर होगा, तो यहां पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एसेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर. अगर आप एलिवेटर के रिस्पेक्ट में देखेंगे सो A1 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जी की जगह आपको जी इफेक्टिव यूज करना है, इस केस में G+A लेंगे, तो एसेलरेशन होगा M2 - M1 / M1 + M2 मल्टीप्लाइड बाई G+A, यानी ये एसेलरेशन होगा इन दोनों का विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर. अब अगर हम ग्राउंड से बैठ के देखना चाहते हैं M1 का नेट एसेलरेशन कितना है, अगर इसके अंदर ये A1 से जा रहा है तो इसका रेफरेंस फ्रेम एलिवेटर है जो ऊपर A से जा रहा है. इट इज काइंड ऑफ रिवर फ्लो प्रॉब्लम, जिसमें रिवर में जब स्विमर स्विम करता है तो स्विमर वेलोसिटी में रिवर वेलोसिटी ऐड कर देते हैं. तो इसी तरह एलिवेटर के अंदर ब्लॉक मूव कर रहा है तो इसके ब्लॉक के एसेलरेशन में आप एलिवेटर का एसेलरेशन ऐड करोगे वेक्टोरियली. सो यहां पर हम बात कर सकते हैं नेट एसेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, जब बात होगी तो एसेलरेशन ऑफ M1 यहां पर होगा A1 + A अपवर्ड डायरेक्शन में, और एसेलरेशन ऑफ ब्लॉक M2 आप देखें नीचे आ रहा है A1 से और एलिवेटर ऊपर जा रहा है A से, तो इसको डाउनवर्ड आप ले लीजिए, ये होगा A1 - A इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, या आप A - A1 अपवर्ड भी ले सकते हैं. दिस इज द बेसिक आइडिया. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, रिजल्ट्स आ जाएंगे ग्राउंड फ्रेम में, आपको सिर्फ केयरफुल रहना है. इसी तरह की और सिचुएशंस पूछी जा सकती हैं कि अगर हमारे सामने एक एलिवेटर है, इसमें एक विंग मशीन है, विंग मशीन पे कोई बॉय खड़ा हुआ है और बॉय का मास M है, एलिवेटर नीचे आ रहा है विद एसेलरेशन A1, सो हमें इस वेइंग मशीन की रीडिंग कैलकुलेट करनी है. सो इस केस में अगर आप रीडिंग निकालना चाहते हैं, आप सिर्फ ये देखिए बॉय पे डाउनवर्ड इसका जो इफेक्टिव वेट लगेगा W इफेक्टिव, वो होगा M टाइम्स, क्योंकि अभी ये नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी जो रिलेटिव यहाँ पे यूज होगी वो होगी G - A1. सो इफेक्टिव वेट होगा M × G - A1, अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन लगी और यही नॉर्मल रिएक्शन बॉय वेइंग मशीन को प्रेस करने में यूज करेगा. तो अब आप इसके लिए ये ले सकते हैं, इसके अंदर से देखने पे बॉय रेस्ट पे अपीयर होगा, क्योंकि हमने इफेक्टिव ग्रेविटी ले ली है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एलिवेटर के अंदर बैठ के. अंदर बैठ के इस बॉय को देखोगे रेस्ट पे अपीयर होगा,
सो फॉर बॉय आप यहां पे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू m टाइम्स g माइनस ए वन, और अगर n आ गया है तो रीडिंग का वैल्यू होगा n बाई जी। यहां पे g रिलेटिव यूज नहीं होगा क्योंकि वेइंग मशीन कैलिब्रेटेड ग्राउंड के ऊपर है, एलिवेटर में बैठ के इस वेइंग मशीन का कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया था। यही मानेंगे वेइंग मशीन जिस फैक्ट्री में कंस्ट्रक्ट हुई है वो किसी एलिवेटर में नहीं थी, वो ग्राउंड पे थी, तो हमेशा रीडिंग को n बाई जी ही लेंगे, यहाँ पे जी इफेक्टिव नहीं लेना है। सो फाइनल वैल्यू वी आर गेटिंग इज m मल्टीप्लाइड बाई जी माइनस ए वन डिवाइडेड बाई जी, ये इस सिचुएशन का आंसर होगा। सो मैंने छोटे छोटे दो इलस्ट्रेशन लिए सिर्फ समझाने के लिए कि कभी भी कोई एलिवेटर बेस्ड प्रॉब्लम आएगी तो एलिवेटर के अंदर ऑब्जर्वर या अपने आप को बिठा के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको एक ग्राउंड फ्रेम दिखेगा। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जी को रिलेटिव लीजिए, एलिवेटर ऊपर जा रहा है जी प्लस है, एलिवेटर नीचे रहा है जी माइनस है, दैट्स इट, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सो अब हम एंड में आ गए हैं न्यूटन्स लॉ के लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हम कवर कर रहे हैं, दैट इज स्यूडो फोर्स। बट ये भी ध्यान रखें स्यूडो फोर्स इज नॉट नेसेसरी फॉर हैंडलिंग एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। अब तक जो हमने चेकलिस्ट प्रिपेयर करी है, जो 10 पॉइंट मैंने बताए, ये अपने आप में सफिशियंट है हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्यूडो फोर्स हमारी क्वेश्चंस को क्विकली एनालाइज करने में हेल्प कर देता है, तो मैं लास्ट पॉइंट लूंगा स्यूडो फोर्स एनालिसिस, बी ट्यून्ड विद द चेकलिस्ट सिचुएशन, क्योंकि ये पॉइंट सबसे क्रिटिकल रहेगा समझने के लिए और क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करने के लिए। सो क्विकली लास्ट पॉइंट लेते हैं स्यूडो फोर्स, देन वी कंक्लूड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चेकलिस्ट, फ्रिक्शन को सेपरेट चेकलिस्ट के अंदर हम कवर करेंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट पॉइंट ऑफ द चेकलिस्ट ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्यूडो फोर्स, जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया स्यूडो फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, इसलिए इसको चेकलिस्ट के लास्ट में रखा गया है, बट स्टिल कई सिचुएशन को एनालाइज करने में बहुत सारे स्टूडेंट स्यूडो फोर्स का यूज करते हैं, उनके लिए अच्छा है अगर आप हर जगह स्यूडो फोर्स यूज करते हैं, बट आई स्ट्रांगली एडवाइज कि स्यूडो फोर्स की मेजर यूटिलिटी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की लेंथ को रिड्यूस करने में तब आती है जब कोई इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ब्लॉक मूव कर रहा हो और वो इंक्लाइन प्लेन भी मोशन में हो। इसके अलावा स्यूडो फोर्स की कोई मेजर यूटिलिटी किसी भी क्वेश्चन में नहीं होती, बाकी इट्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। जैसे आपने समझाया, पहले हम स्यूडो फोर्स को क्विकली एनालाइज करते हैं। पहली चीज, स्यूडो का मतलब दिस इज अ फॉल्स फोर्स नॉट एक्चुअली एक्ट्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोई स्यूडो फोर्स एक्चुअली एक्ट नहीं करता। इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, बॉडी में इनर्शिया होने की वजह से स्यूडो फोर्स का आभास होता है, इट अपीयर्स कि स्यूडो फोर्स एक्ट कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर हमारे पास एक ब्लॉक है या एक लॉन्ग प्लेटफॉर्म है जो ग्राउंड के ऊपर रखा गया और इसे हम एफ फोर्स से आगे पुल कर रहे हैं, अगर इसकी सरफेस स्मूथ है यानी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ्रिक्शन को हम सेपरेट चेकलिस्ट में लेंगे, जितने भी तरह के केसेस फ्रिक्शन में पूछे जा चुके हैं पूछे जा सकते हैं वो फ्रिक्शन की चेकलिस्ट में लेंगे, अगर इसकी सरफेस स्मूथ है और इसके ऊपर एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, सो जब इस नीचे वाले ब्लॉक को खींचा जाएगा तो ऊपर वाले ब्लॉक का क्या होगा, आप डायरेक्टली देखते ही ये कह सकते हैं स्मूथ है तो इनर्शिया की वजह से ये रेस्ट पे रह जाएगा, अगर इसका मास कैपिटल एम है तो ये एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू एफ बाई कैपिटल एम से नीचे से स्लाइड कर जाएगा और ये अपनी ही जगह पे नीचे गिरेगा। आप सब रियलाइज कर सकते हैं क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो इसको मूव कराने वाला कोई फोर्स नहीं है, इनर्शिया की वजह से अपनी जगह रह जाएगा। नाउ अब अगर इस ब्लॉक को देखा जाए एक ऑब्जर्वर के द्वारा, जो ऑब्जर्वर यहां पर बैठा हुआ है, इफ दिस इज एन ऑब्जर्वर, दिस ऑब्जर्वर एक्स, तो ऑब्जर्वर एक्स यहां पे इस तरह से बैठा है कि ये कैपिटल एम के ऊपर एक पोल है और इसने इसको पकड़ रखा है, ही इज नॉट अ स्लाइडिंग, या आप ये मान लीजिए कि इसके शूज में फ्रिक्शन है जो इस नीचे वाले ब्लॉक के साथ जाएगा, इसका मास कंपेयर टू कैपिटल एम नेग्लिजिबल है, तो जब नीचे वाले ब्लॉक को खींचेंगे तो ये ऑब्जर्वर भी इसी एक्सेलरेशन से राइट में मूव करेगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को देखेगा तो इसको क्या फील होगा, जब ये इस ब्लॉक को देखेगा तो इसको लगेगा ये ब्लॉक पीछे जा रहा है विद दिस एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्चुअली ये रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर पीछे जा रहा है, लेकिन ये ऑब्जर्वर इस फ्रेम पे बैठा है, इस प्लेटफॉर्म पे बैठा है, तो इसको तो यही लगेगा कि ये ब्लॉक पीछे जा रहा है। यानी अगर इस ऑब्जर्वर से कहा जाए कि इस ब्लॉक के मोशन की इक्वेशन लिखो तो ये कहेगा मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा कि इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, लेकिन इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव ये मास पीछे की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ दिखेगा। सो हम ये कह सकते हैं फोर्स ऑब्जर्वड बाय ऑब्जर्वर एक्स on small m is, this is a force we call as FP and this equals to MA toward left.
ये एक ऐसा फोर्स इसको दिखाई देगा क्योंकि इसने यही पढ़ा है कि अगर एक एम मास की बॉडी ए एक्सेलरेशन से चल रही है तो उस पर एक फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज एम ए. तो एम मास की बॉडी इसको दिख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में पीछे ए से जा रही है क्योंकि कभी भी ऑब्जर्वर को खुद का मोशन फील नहीं होता. दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस विच वी यूज फॉर अ रेफरेंस फ्रेम. तो इसको ये एम मास पीछे ए से जाता हुआ दिख रहा है तो ये कहेगा कि मुझे एक फोर्स अपीयर हो रहा है इस एम मास पे, वो है एम ए. दिस फोर्स वी कॉल एज स्यूडो फोर्स. सो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है या आप ग्राउंड पे बैठ के किसी सिचुएशन को देख रहे हैं तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे जो हमने अब तक 10 कॉन्सेप्ट पढ़े, कॉन्सेप्ट लिस्टिंग करी गाइडेड चेकलिस्ट के अंदर, उन्हीं से सॉल्व होगा. लेकिन अगर आपने अपने आप को किसी रेफरेंस फ्रेम में बिठा दिया, जैसा कि मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट एलिवेटर केस में बताया था, लेकिन मैंने एलिवेटर केस में आपको डायरेक्टली समझा दिया था, एक चीज आपके दिमाग में डाल दी थी कि अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो आप अंदर एसेलरेशन जी प्लस ए लीजिए, एलिवेटर नीचे जा रहा है तो एसेलरेशन जी माइनस ए लीजिए. इतना काफी हर तरह के एलिवेटर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. लेकिन अगर हम थोड़ी डेप्थ में जाएं तो एलिवेटर के अंदर ऑब्जर्वर को बिठाने से क्या हुआ, ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करने लग गया. और जब भी ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करता है तो उसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको इनर्शियल या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम अभी समझने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इतनी सी चीज काफी है समझने के लिए कि अगर कोई ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म मोशन में, ये मैं बता भी देता हूं, इसी स्यूडो फोर्स का ही पार्ट हम लेके चलेंगे. इफ ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब होता है द रेफरेंस फ्रेम इज इनर्शियल. इफ ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, इसका मतलब होता है रेफरेंस फ्रेम इज नॉन इनर्शियल. जितने भी क्वेश्चन इनर्शियल या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड आएंगे उसके लिए ये इंफॉर्मेशन अपने आप में काफी है. यानी अगर ऑब्जर्वर में एक्सेलरेशन है तो उस रेफरेंस फ्रेम को जहां से हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं वो रेफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा, जैसे कि ऑब्जर्वर ये एक्सेलरेट हो रहा है. तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पे बैठ के हम किसी भी बॉडी को देखते हैं तो उस पे हमें स्यूडो फोर्स लगता हुआ अपीयर होता है. दिस इज द फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर ऑपोजिट टू द एक्चुअल एक्सेलरेशन, दैट्स इट. जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें चाहें तो आप पिछला जो केस हमने एलिवेटर का किया उसको स्यूडो फोर्स लगा के कीजिए, रिजल्ट वही आने वाले हैं जो मैंने शॉर्टकट बताया. लेकिन अननेसेसरी आप क्वेश्चन की लेंथ को लंबा कर देंगे, स्यूडो फोर्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा. तो एलिवेटर के लिए वही मेथड बेस्ट है जो मैंने आपको बताया. इसके अलावा जैसे भी केसेस आएंगे मैं सिर्फ इतना सा सजेस्ट कर रहा हूं, अगर एक इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक है और इंक्लाइन प्लेन मोशन में है तो स्यूडो फोर्स कंसीडर करना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करने में. इसके अलावा ऐसे कोई भी केस न्यूटन्स लॉज में आपके सामने नहीं आएंगे जहां पे कि स्यूडो फोर्स एक नेसेसिटी हो जिससे आप क्विकली क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. सारे क्वेश्चंस बेसिक लेवल पे जो मैंने चेकलिस्ट बताई है उसी से हैंडल हो जाएंगे, आप खुद रियलाइज कर लेंगे. अभी जब आप जेई मेन सॉल्यूशन की बुक से सारे क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट लिस्टिंग करेंगे और उसको मैप करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ने वाला है कि सिर्फ इतनी सी जो हमने लगभग एक घंटे के अंदर अंदर, आई थिंक शायद एक घंटा ही हुआ होगा, यहां पे मेरे पास वॉच नहीं है देखने के लिए, लगभग एक घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि जब मैं कॉन्सेप्ट चेक लिस्टिंग क्लास में पढ़ाता हूं तो लगभग एक से सवा घंटा लगता है जिसमें कि हम पूरी न्यूटन्स लॉ की चेकलिस्ट या सभी तरह के क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं. और लगभग सभी टॉपिक्स में इसी तरह से हम चेकलिस्ट की बात करते हैं, सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं. लेकिन ये चेकलिस्ट काम तभी आएगी जब आपको बेसिक लेवल पे न्यूटन्स लॉज का आइडिया है और आप इस तरीके से करने के लिए रेडी हैं. सो माई डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ. अगली चेकलिस्ट फ्रिक्शन की आप सेपरेटली करेंगे, मैं फ्रिक्शन को सेपरेट लूंगा. लगभग आधे घंटे 40 मिनट के आसपास टाइम लगता है फ्रिक्शन के सारी वैरायटी के केसेस को कवर करने के लिए, और वो क्लास में लगता है तो यहाँ ऑब्वियसली ऑनलाइन में रिलेटिव टाइम कम होगा क्योंकि डायरेक्ट मैं लाइव डाउट्स को इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ. और मैं ये कह सकता हूँ कि जो कवर करने का तरीका है वो ऐसा है कि डाउट्स ना भी हों, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सारी की सारी चीज़ें इतनी ल्यूसिड मैनर में कवर की गई हैं. ये चेकलिस्ट आप अपने आप में आपके लिए कंप्लीट है जेई मेन और नीट के किसी भी तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए. सो विश यू ऑल द बेस्ट.